सत्यकाल सलामकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे और आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं हमारे नबी के सब्र और बर्दाश्त का रुला देने वाला बयान बाय मौलाना तारिक जमील साहब। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें नबी के सब्र और बर्दाश्त का वो कौन सा वाला वाक्या मेंशन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सब मुतवस्सित या गरीब लोग बैठे हो, मेरे नबी जैसा गरीब पूरी कायनात में कोई नहीं। मैं जबूती सोमालिया गया हूँ, वहाँ के गुरबत को देखकर मुझे लगा जैसे लफ्ज गुरबत भी उनकी गुरबत पे रोता है। ऐसी गुरबत मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी जो मैंने जबूती में देखी, सोमालिया में देखी, कैमरून में देखी, चौड में देखी, सूडान में देखी। 24 घंटे में एक दफा भी खाना नसीब नहीं। हमारा गरीब से गरीब आदमी 24 घंटे में चूल्हा जला बैठता है, लेकिन मेरे नबी पर जो गुर्बत आई, कोई है पूरी दुनिया में तो अल्लाह ने मुझे फिराई है जिसके घर में दो दो महीने चूल्हा ना जलता हो? मेरे नबी वो फकीर थे जिनके घर में दो दो महीने चूल्हा नहीं जलता था। एक रात आप सोए हुए, कभी यूं करोड़ बदले और कभी यूं करोड़ बदले, बार 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 हज़रत आयशा के साथ। तो थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा आगे हुए और चारपाई की जो लकड़ी होती है जिस पर बान बुना होता है उस पर पेट को यूं फिक्स करके और नीचे लटक, नीचे लटक गए, धड़ आधा नीचे लटक। फकान कहब हुसैन को बदल, वाह 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 क्या मकाम है कहब हुसैन, और क्या हालात से गुजर रहे हैं कि यूं आधा धड़ नीचे लटक गया। अम्मा आयशा उठ के बैठ गई, या रसूल अल्लाह खैरियत क्यों? आप उठ के बैठे, आयशा भूख बहुत लगी, भूख बहुत लगी, इसलिए प्रेशर दिया ताकि जो भूख की तलब है ना मेदे में उसको प्रेस किया, इसलिए पत्थर बांधते थे कि वो पीछे चला जाए। अब मस्जिद में तशरीफ फरमाते, एक साबिना कर कहा, या रसूल ये देखें कपड़ा हटाया, ये देखें मैंने पेट पे पत्थर बांधा। जिनके लिए कायनात बनाई, जिन्हें अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की कस्में उठाई वल्दुहा, जिनकी जुल्फों की कस्में उठाई वल्लैल इज़ा सजा, जिनके मुंह से निकले बोल की कसम उठाई वकील ही, जिनके किताब की कसम उठाई वल्कुरआनिल मजीद, जिनके शहर की कसम उठाई वहादल बलदिल अमीन। इतनी बड़ी हस्ती, आपने कहा जरा इधर देखो, आपने पेट से कपड़ा हटाया तो आपने दो पत्थर बांधे, देखो मैंने दो बांधे। कोई ऐसा फकीर है दुनिया में दिखाओ? आयशा भूख बहुत लगी तो अल्लाह के तो हज़रत आयशा रोने लगी, कहा या रसूल अल्लाह फिर आप अल्लाह से मांगते क्यों? आयशा नहीं मांगूंगा, इसी भूख में अल्लाह से मुलाकात नहीं मांगू, मुझसे पहले मेरे जो भाई आए अंबिया वो इसी फकर में गए, मैं भी इस फकर में जाऊंगा। अपने घर में ये दुख रखा, अपनी औलाद के ज़बह होने को कबूल किया ताकि आइंदा आने वाली उम्मत का गरीब तबका गिला न करे, शिकवा न करे, हराम रास्तों पे न जाए, गलत रास्तों पे न जाए, और मालदार फख्र न करे मैं कोई बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है, मेरी इतनी बड़ी कमाई हो गई है। ये ना ये बड़ाई की चीज़ है ना वो छोटाई की चीज़ है, जिससे अल्लाह राजी है वो बड़ा है, जिससे अल्लाह नाराज है वो छोटा है, चाहे गरीब है चाहे मालदार। हज़रत आयशा फरमाती हैं बेटा दो दो महीने गुजर जाते थे हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं जलता था, दो दो माह गुजर जाते थे। एक दफा बाग में तशरीफ ले गए, अब्दुल्लाह बिन उमर आपके साथ हैं, सुबह का वक्त है तो आप खजूरें गिरी पड़ी जो मिल्क नहीं होती ना, किसी कौवे ने ठोंग मारी, किसी तोते ने उसको ऐसे ही वो उसको टुक दिया अपनी और उसके साथ चोंच के साथ तो वो गिर पड़ी। अब उठा के साफ करके खा रहे थे और अब्दुल्ला से कह रहे थे अब्दुल्ला तू नहीं खाता? उन्होंने कहा जी मुझे भूख नहीं है।
आपने कहा अब्दुल्ला मुझे भूख है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, चौथा तुम्हें कोई है जिसके यहाँ चार दिन फाका चलता हूँ, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। हमारे दस्तरखान पे कितना खाना उठा के कूड़े के ढेर में जाता है, आज चार दिन गुजर चुके हैं मैंने कुछ नहीं खाया। हादिही सुबह राबियतिन मा ज़ुक्तु शैया, आज चौथी सुबह मेरे ऊपर तुलू हुई है, एक लुकमा नहीं खाया। आप मस्जिद में बैठे थे, काब बिन आजरा आए तो आपको देखकर ऐसे कहने लगे, या रसूल अल्लाह माली अरा का मुतगैर लून, या रसूल अल्लाह आपका चांद सा चेहरा चमकता, आज मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? तो आपने यूं देख अपने पेट पर यूं उंगली रख कर कहा, मा दखल जौफी मा यदखुल जौफ दात कब्र मुंतो फलाफ, का आज तीन दिन गुजर चुके हैं पेट में एक रोटी का जर्रा दाखिल नहीं हुआ, जर्रा लुकमा नहीं जर्रा, रोटी का एक जर्रा पेट में दाखिल नहीं हुआ। और इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत, अपनी उम्मत के गरीबों की तसल्ली के लिए और अपनी उम्मत के मालदारों को सबक देने के लिए कि अल्लाह रिस्क दे तो अपनी हैसियत ना भूलो और अल्लाह ना दे तो अपने हबीब की कुर्बानी ना भूलो। उन्होंने तो जानबूझ के ये किया, जानबूझ के, ये नहीं कि आपको कोई तंगी अल्लाह की तरफ से, जानबूझ के। और सारे घर का ये हाल है, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलने गए, कहा बेटे मैं अंदर आ जाऊं, मेरे साथ इमरान भी हैं, एक साहबी थे अरब सरदार, मेरे साथ इमरान भी हैं। कहा अब्बा जान मेरे घर में इतनी चादर नहीं कि अपने आप को छुपा सकूं, पर्दा करने के लिए मेरे पास चादर कोई नहीं, तो आपने अपनी चादर अंदर दे दी, कैसे पर्दा कर ला, तो लपेट ली। अब अंदर आए तो आपने पूछा, मैंने सुना था तू बीमार है, मैं तेरा हाल पूछने आया हूं, तो बाप को देख के आंसू निकल आए, या रसूल अल्लाह बीमारी भी है और भूख भी है, दोनों ही है, सिर्फ बीमारी नहीं भूख भी है। बड़े बड़े मुसीबतों से लड़ जाने वाले माथे पे कभी बल ना आया, बेटी के आंसुओं ने पिघला भी दिया और रुला भी दिया, आप भी रो पड़े, आप भी रो पड़े। फिर कहा मेरी बेटी न रो, वल्लदी बाफा अबा के बिलहक मा दुख्तु मिन सलासत अय्याम मिन तवाका, आज तीसरा दिन है मैंने एक लुकमा नहीं खाया मैं तेरे साथ। और मेरी बेटी मैं तुम्हें बताऊं, मेरे रब ने मुझे कहा था मेरे हबीब अगर आप चाहें तो उहद पहाड़ सोना बना दो, 10 मील लंबा चौड़ा है उहद पहाड़, 10 मील मैं उहद पहाड़ सोना बना दो आपकी खिदमत में पेश करूं, तो मैंने कहा नहीं या अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मैं एक दिन भूखा रहूंगा एक दिन। फिर फरमाया बेटी क्या तुझे ये इज्जत काफी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया, ये सरदारी सोने चांदी में तुल के नहीं मिली ही। ओए होए होए कुर्बान जाओ भाइयों, आप सब माशाल्लाह नौजवान नजर आ रहे हो, थोड़ा वक्त निकाल के अगर आप पढ़े हुए हो अपने नबी की जिंदगी पढ़ा करो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ा करो, बड़ा ईमान भी बनेगा हौसला भी मिले। आप हसन हुसैन को कहते थे मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सीने की ठंडक, मेरे लाडले, जन्नत के चांद, जन्नत के सरदार, मेरे दो फूल, ये सारे अल्फाज हसन हुसैन के लिए हैं। और उनके भूख की वजह से रोने की आवाज सुनते थे और तड़पते थे, लेकिन रोटी नहीं मांगी उनके लिए, रोटी नहीं मांगी, क्या अपनी उम्मत के गरीबों को तसल्ली देनी थी कि अगर मैं फकीर बन के जा रहा हूं तो तुम्हारे ऊपर भी इम्तिहान है, चंद दिन बर्दाश्त करो। आपने फरमाया सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं ना चला जाऊं, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत चली जाए, सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा। वमा या फुकरा उल मुमिनीन,
और मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग होंगे, मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग मेरे साथ पहले दाखिल होंगे। हज़रत फातिमा के घर में फाका हद से बढ़ गया तो हज़रत अली ने फरमाया कि जाओ अल्लाह के नबी से कुछ तो मांग के आओ, कुछ तो पेट में जाए, जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया। ये एक दफा इतना फाका आया कि हज़रत अली जैसी हस्ती ने भी कहा जाओ, तो आप तशरीफ लाई और दरवाजे पे दस्तक दी। तो इतना प्यार था, जब हज़रत फातिमा घर में दाखिल होती, अल्लाह ने हमें औलाद के साथ क्या सलूक करना है अल्लाह ने हमें अपने नबी से यह भी सिखाया। हज़रत फातिमा जब भी घर में आती, और साथ ही तो घर था, दीवार से दीवार मिली थी, रोज का आना जाना था, तो मेरे नबी बैठे नहीं रहते थे, आओ फातिमा क्या हाल है, खड़े हो जाते और तेजी से आगे बढ़ते, दरवाजे पर ही हजरत फातिमा का हाथ पकड़ लेते, हाथ का बोसा लेते, बोसा लेकर हाथ पकड़े पकड़े बेटी को चारपाई पे पहले बिठाते, उसके बाद खुद बैठते थे। अकरमु औलादकुम, मेरे नबी ने कहा औलाद को इज्जत दो फिर वो तुम्हें इज्जत देंगे। हमारे माहौल में अक्सर माँ बाप ने औलाद पर डंडा ही उठाया होता है, फिर उनमें बगावत पैदा हो जाती, फिर कहते हैं औलाद ना फरमान। आपने दस्तक दी तो कहने लगे ये तो फातिमा की दस्तक है, खैर तो है, पहले तो कभी इस वक्त में आई नहीं। तो आपने उम्मे अमन से कहा दरवाजा खोल, उम्मे अमन ने दरवाजा खोला तो आपने इस्तकबाल किया, बिठाया, पूछा बेटी क्या हुआ, इस वक्त में कैसे आई। कह या रसूल अल्लाह बहुत फकर है, बहुत भूख है, आपके पास सोना कुछ माल आया है, कुछ हमें भी दे दिया जाए। इतनी साबिर बेटी जिंदगी में एक दफा भूख की शिकायत लेकर आई, और आगे बाप ने फिर पेपर ले लिया, फिर इम्तिहान में डाल दिया। आपने कहा बेटी मेरे पास 5 बकरियां खड़ी हैं, दे दूं या 5 दुआएं सिखा दूं। ये भी कोई कितना सख्त मौका था, कितना सख्त मौका है कि सबर का पहाड़ बेटी इतनी मजबूर होकर आती हैं कि या रसूल अल्लाह बुरा हाल। तो मेरे नबी कहते बेटी ये बकरियां भी ले जा, दुआएं भी ले जा, दोनों जमा कर देते, या दुआएं बाद में सिखा देते, बकरियां देते, एक तो दे देते, पर उम्मत के गरीबों को तसल्ली देनी थी, चूंकि उम्मत में अक्सर तबका गरीब होगा। तो आपने कहा बेटी 5 बकरियां दो या 5 दुआएं दो। तो वो समझ गई अपने बाप के मिजाज को कि अब्बा जान इम्तिहान ले रहे हैं। तो कहा अब्बा जान बकरियां छोड़ दें, मुझे दुआएं सिखा दो, मुझे बकरियां नहीं चाहिए, भूखे की रात भी गुजर जाती है और भूखे का दिन भी डूब जाता है। तो आपका चेहरा से खिल गया कि मेरी बेटी पास हो गई। कहा बेटी आप तुम दुआ में ये कहा करो या अव्वल अल अव्वलीन या आखिर अल आखिरीन या ज़ल कुव्वत अल मतीन या राहिम अल मसाकीन या अरहम अर राहिमीन, ये तेरे लिए 5 बकरियों से आला चीज। अब घर वापस गई खाली हाथ। हज़रत अली ने फरमाया तू तो कुछ भी नहीं लाई। कहा नहीं लाई हूं, बहुत कुछ लाई हूं। कहा क्या? कहा मैं दुनिया लेने गई थी, आखिरत लेके आ गई। ذهبت للدنيا وجئت بالآخرة। तो हज़रत अली ने फरमाया तेरा आज का दिन सबसे आला दिन, खैर अय्यामिक हाज़ा। दामाद का इम्तिहान ले लिया, हज़रत अली को बुला लिया, अली 5,000 बकरियां दो कि 5 दुआएं दो। उस वहां तो 5 बकरियां, अब 5,000 कर दो। अली 5,000 बकरियां लेते हो या 5 दुआएं लेते हो? तो भी समझ गए कि आज मेरा महबूब मुझसे इम्तिहान ले रहा है कि अली कितना को मजबूत है अपने ईमान में। और फाके के मैंने बता दिए क्या गुजर रहे, आदमी अपनी भूख सह लेता है, औलाद का रोना बर्दाश्त नहीं होता है। अली 5 दुआएं दूं के 5,000 बकरियां। असली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह दुआएं सिखा दें, बकरियां नहीं चाहिए। मेरा नबी का चेहरा खिल गया कि मेरा दामाद भी पास हो गया। काली तो ये दुआ मांगा कर रोजाना, अल्लाह मख़फ़िली दम्बी वस्सेली खुलुकी वबारिकली फी रिज़्क़ी
وقنعني بما رزقتني ولا تذهب قلبي الى شيء صرفته عني. یہ پانچ دعائیں تو مانگا کر، 5000 بکریوں سے زیادہ ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر. وسّع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر. بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے. قننی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا. ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا. کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے. میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے. اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام. तो ये वाला बयान हमने पहले भी मौलाना ताहिर ज़मील साहब का एक बयान सुना था, जिसके बीच में उन्होंने एक थोड़ा सा ये वाला वाक्य पहले भी मेंशन किया था, जिसमें नबी की भूख के बारे में उन्होंने बताया था. मतलब मुझे हमेशा से सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है कि मतलब कैसे नबी जो कि मतलब जो चाहते वो हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी फैमिली की, उनकी बेटी, उनके हसन और हुसैन, वो भी बेचारे भूख से तड़पते थे, लेकिन कभी भी नबी ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी फैमिली के लिए अल्लाह से रोटी मांग लूँ. वो हमेशा अपनी उम्मत के लिए अच्छा सोचते थे, उनकी बेहतरी के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए एक रोटी तक नहीं मांगी. अपने सामने बच्चों को रोते हुए देखना या भूख से बिलखते हुए देखना बहुत मुश्किल होता है. अगर हम लोग भी आज के डेट में देखें कि अगर हमारे बच्चे, चलो टचवुड की आजकल सब लोगों को खाना तो आराम से मिल जाता है कि वो लोग अपनी फैमिली को दे देते हैं, बट उसके अलावा अगर हमारे बच्चे अननेसेसरली किसी और चीज़ के लिए जिद करने लग जाते हैं ना, कभी बच्चों को पिज़्ज़ा हट जाना है, कभी उनको डोमिनोज जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो जैसे ही फरमाइशें रखते हैं पेरेंट्स के सामने कि आज यहाँ चलते हैं या आज वहाँ चलते हैं, तो मतलब उनका वो एक मासूमियत फेस पे देख के ना कि चलो बच्चा इतने मन से कह रहा है तो ना नहीं होती, मतलब ले ही चलता है कि चलो लेके चले. और नबी ने तो मतलब बच्चे रोटी मांगते थे, रोते थे, मतलब भूख से बिलखते थे, बट उन्होंने ना खुद के लिए ना अपने परिवार के लिए रोटी मांगी. और वो किस लिए? सिर्फ अपनी उम्मत को ये दिखाने के लिए कि जो गरीब हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि पूरी उम्मत में सब लोग बहुत अमीर हों या मतलब सबको अच्छे से खाना मिल सके. कई फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद भी भरपेट खाना नहीं मिल पाता. तो वो अपनी उम्मत के लिए ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि अगर आप गरीब हो, आपके पास भरपेट खाना खाने के लिए भी नहीं है, तो उसमें बर्दाश्त करना सीखो, ना कि गलत रास्ते पर चल पड़ो. और इसके साथ में एक और मैसेज वो ये भी देना चाहते थे नबी पूरी दुनिया को कि अगर आप बहुत अमीर हो तो उसके ऊपर गुमान मत करो कि मैं बहुत अमीर हूँ, बिकॉज आप अमीर हो अपने लिए, आप दूसरों के लिए उसमें से कुछ नहीं कर रहे. आपको तब गुमान करना पड़ेगा. गुमान तो तभी भी नहीं करना चाहिए जब इंसान किसी दूसरे की हेल्प कर रहा हो, उसके लिए कुछ कर रहा हो एक्स्ट्रा. गुमान तो तभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो एक होता है कि बंदा दूसरे की हेल्प कर रहा है, फिर मतलब अच्छी बात होती है. लेकिन जिसके पास पैसा है और वो सिर्फ अपने ऊपर खर्चा कर रहा है, सिर्फ अपने परिवार को अच्छे से अच्छा दे रहा है, पर वो कभी दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचता, ना तो कभी उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा घमंड करना चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ है. और जो गरीब इंसान है जिसके पास हार्डली दो टाइम का खाना बन पाता है, या फिर उससे हार्डली दो टाइम का खाना वो अरेंज ही कर पाता है अपने परिवार के लिए, या नहीं भी कर पाता किसी एक दिन, तो उसको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए या गलत रास्ते को अपनाने का नहीं सोचना चाहिए. तो इसीलिए नबी ने अपनी उम्मत को ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि बर्दाश्त करना सीखो, उन्होंने खुद बर्दाश्त करके वो एग्जांपल सेट किया है. और एक चीज़ जैसे कि हम लोगों को अपने नबी की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है. जैसे मेरे माइंड में अभी तक एक डाउट है कि नबी की जो फर्स्ट वाइफ थी वो बहुत रिच थी, बिकॉज वो बिज़नेस करती थी, और उनके साथ में फिर नबी ने भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था. तो इतना वो जो पैसा था वो सब कहाँ चला गया था? तो जो मोहम्मद सबके लिए सीरीज है,
तो आई एम 100% श्योर कि आने वाले एपिसोड में उसको जरूर डिस्क्राइब किया गया होगा कि क्या हुआ था और नवी ने क्या उनका पैसा छोड़ के वो आ गए थे या क्या था, वो चीज़ें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए आप सब लोग भी अपने डेली रूटीन में से कुछ टाइम निकाल के मोहम्मद सद के लिए वाली जो सीरीज है मैंने स्टार्ट की है उसको भी जरूर देखो, बिकॉज उससे नबी की ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं नबी की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो हम लोगों को पता चलते हैं। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, देखना मत भूलिए। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।